नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रशांत कुमार विश्वास आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज का पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक कर्नाटक में होने वाले भैंसों की परंपरागत दौड़ का नाम है? ए अंबाला, बी कंबाला, सी जंबाला, डी सुंबाला। मित्र, जितना भी प्रश्न मैं लेता हूँ कोशिश करता हूँ कि वो केबीसी पे जिस प्रकार पूछा जाता वैसा ही रहे। इसका राइट आंसर हो गया बी कंबाला। हाल फिलहाल एक बहुत खबरों में थे न्यूज़पेपर में, जो कंबाला जो कि श्रीनिवास गौड़ा, ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। ऐसे पेपर में चर्चा था कि 9.55 सेकेंड में 100 मीटर का दूरी तय किया था और सरकार ने उनको अवार्ड भी दिया था, सम्मानित किया था। लेकिन कुछ दिन बाद निशांत शेट्टी करके दूसरा कंबाला जो कि ने 9.51 सेकेंड में 100 मीटर का रेस पूरा करके भैंसों के साथ दौड़ना होता है तो यह रिकॉर्ड तोड़ गया था। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है मेरे नज़र से केबीसी के लिए। देखेंगे अगला प्रश्न, देश का पहला 5G स्मार्टफोन कौन सा है? ए सैमसंग M31, बी OnePlus 7T, सी Realme X50 Pro, डी Redmi Note 8 Pro। इसके आंसर होंगे सी Realme X50 Pro। ये 5G स्मार्टफोन है, 4G से कई गुना ज़्यादा तेज चलता है। अगर मित्र आपको आता हो कोई भी आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये खबरों में देख सकते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न, महाभारत के अनुसार इनमें से किसने शकुनी से कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी उंगलियों की हड्डियों से पासे बना लेना? ए शांतनु, बी सुबल, सी शक्ति, डी पराशर। मित्र इसके आंसर होंगे बी सुबल। सुबल शकुनी के पिता थे। इसके पीछे कहानी ऐसा है कि पांडवों के बच्चे एक दिन कौरवों के बच्चों को चिढ़ा रहे थे कि तुम एक विधवा के पुत्री पुत्र हो, तुम विधवा के पुत्र हो। तो कौरवों के बच्चों ने भीष्म पितामह से ये शिकायत की कि पांडव बच्चे ऐसे बोल रहे हैं। तो फिर भीष्म पितामह ने अपना गुप्तचर भेज करके गांधारी के जो मायके हैं वहाँ, सुवल सुवल यानी गांधारी के पिता, तो वहाँ पे गुप्तचर भेज करके ये पता किए कि क्या सही में गांधारी विधवा थी, क्या विधवा से विवाह हुआ धृतराष्ट्र का। तो इस प्रकार पता चला कि हाँ ये सही बात है, असल में हुआ था। ज्योतिषी ने बताया था कि गांधारी का जो विवाह होगा तो पहला पति उसका कुछ दिनों में मर जाएगा, लेकिन दूसरा जो विवाह होगा वो ज़्यादा दिन तक जिएगा। तो इस प्रकार सुवल ने क्या किया था, गांधारी का विवाह एक बकरा से करा दिया था। बकरा से करा देने के बाद उसका उस बकरे का बलि दे दिया था यानी मार दिया था। तो इस प्रकार से ये हो गया कि उस विधवा बन गई। तो जब भीष्म पितामह को ये पता चला तो उन्होंने कहा कि सुवल ने छल किया हमारे साथ यानी गांधारी के परिवार ने। तो ये जो सच्चाई है अगर लोगों को पता चलेगा तो कैसा लोग क्या कहेंगे, इसलिए इस सच्चाई को मिटाने के लिए पूरा गांधारी के परिवार को भीष्म पितामह कैद करवा लिए थे और कैदखाने में ही उनको मारने का प्लान किए थे। तो इस प्रकार वो एक मुट्ठी अनाज चावल खाने के लिए दिया जाता था। तो सुवल ने कहा कि इस प्रकार, और सुवल के जो और बच्चे थे सब आपस में लड़ जाते थे, तो सुवल ने कहा कि इस प्रकार तो सभी हम लोग मर जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि ऐसा किया जाए कि हम लोग में से कोई एक जीवित रहे, जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है हम लोग में से, वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो वो जीवित रहे ताकि वो याद रख सके और हम लोग का बदला ले सके इस अपमान का। तो इस प्रकार बाकी सभी जो है कुछ नहीं खाते हैं और शकुनी को सिर्फ खिलाते हैं, और सुवल उनके शकुनी के पैर में चोट करते हैं जिससे कि उस पैर का जो घुटना टूट जाता है, और ताकि याद रहे हमेशा, ये भूले नहीं चलते हुए भी हमेशा ये भूले नहीं कि हमारे साथ कैसा अपमान किया गया था। तो इस प्रकार मित्र इसके पीछे ये कहानी है। देखेंगे अगला प्रश्न मित्र, अगला प्रश्न असल में पिछला वीडियो से लिया मैंने। इस प्रश्न में
क्या हुआ था, मेरा प्रश्न था कि 73वें स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2019 को भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी। तो इसमें मैंने सही जवाब 28 बताया था, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि लाइफलाइन लेना लेना पड़ सकता अगर ये क्वेश्चन आ गया तो, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। और एक सब्सक्राइबर ने ये मुझे बताया भी, तो मैंने जो सर्च किया था और मैंने देखा कि वो 5 अगस्त 2019 को ही आर्टिकल 370 हटा लिया था जम्मू कश्मीर पे, जम्मू कश्मीर से। इसके बाद राज्यों की संख्या 28 रह गई थी। तो इस प्रकार, लेकिन ऐसा करना है आप लोगों कि अब आप लोग अपना इसमें विचार दें और क्या आंसर होगा वो खुद उसको आप लोग तय कर लें, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को रखिएगा। आंसर आप भले बदल सकते हैं अपने मन से। देखिए, एक अभी हाल ही में अनुच्छेद ये निकला था, आर्टिकल छपा था पेपर में कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादियों की घटना हुई बहुत कम हुई। उसमें जो डेट बताया 5 अगस्त 2019 से 10 मार्च 2019 के बीच दौरान बताया कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी की कुल 79 वारदातें हुई, जिनमें 49 आतंकवादियों को मार गिराया था। तो इसमें जो डेट लिया था 5 अगस्त लिया था। इस प्रकार तो आप अपने विचार से इस प्रश्न का उत्तर फिर कर ले, नोट कर ले। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ी तोहफा। ए लुइस 16, बी अब्राहम लिंकन, सी मार्टिन लूथर, डी महात्मा गांधी। इसके आंसर होंगे मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने यह कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई बहुत बड़ी गिफ्ट है, तोहफा है। अगला प्रश्न, इनमें से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। ये विलियम फर्स्ट, बी विलियम सेकेंड, सी फ्रेडरिक विलियम फर्स्ट, डी फ्रेडरिक विलियम फोर। इसका राइट आंसर होंगे विलियम फर्स्ट, ए आंसर। अगर ये क्वेश्चन आता है कम से कम 25 लाख या 50 लाख का हो सकता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये देख सकते हैं विलियम फर्स्ट जर्मन एम्परर, फर्स्ट जर्मन किंग ऑफ पर्सिया, विलियम फर्स्ट वॉज द बॉथ जर्मन एम्परर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था। ए मुगलसराय रेलवे स्टेशन, बी थाने रेलवे स्टेशन, सी बोरीबंदर रेलवे स्टेशन, डी वेक्टर रेलवे स्टेशन। इसके आंसर होंगे सी बोरीबंदर रेलवे स्टेशन। बोरीबंदर से ही पहला रेलगाड़ी चला था, बोरीबंदर से थाने की ओर 1853 में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। ए 28 और 7, बी 29 और 8, सी 30 और 9, डी 28 और 9। इसका आंसर होंगे डी 28 और 9। मित्र, ये प्रश्न आसान है, लेकिन एक बात बताते हैं, जो केबीसी में जो कॉल आता है सिलेक्शन के बाद, रैंडमली सिलेक्शन के बाद, उसमें जो थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें ये इम्पोर्टेंट है। 28 और 9 जोड़ देंगे 37 होगा। तो इस तरह पूछा जा सकता है, भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ दिया जाता है उनकी संख्या कितनी होगी। ये प्रश्न पिछले आ चुका आया है, लेकिन उस समय तो डाटा दूसरा था, उस समय 29 राज्य थे। अगला प्रश्न, जापान द्वारा प्रक्षेपित दुनिया के पहले निगरानी उपग्रह का नाम क्या है। ए जिंजा, बी अकारी, सी इबुकी, डी हिनोडी। तो इसका आंसर होंगे सी इबुकी। इबुकी ग्रीन हाउस गैस ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, इसको 23 जनवरी 2009 को लॉन्च किया गया था जापान का। मित्र, इसी बात पर लाइक जरूर दे दीजिए, काफी मेहनत लगा वीडियो बनाने में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मिस डेफ वर्ल्ड 2019 किसने जीता, कौन जीती थी, कौन जीती है। ए निष्ठा जुडेजा, बी असियान जुहानी, सी विदिशा वालियान, डी थेजी पेओ। अगर आपको आंसर आता हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मित्र, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों में जरूर शेयर कर लीजिएगा। ये इसके आंसर होंगे विदिशा वालियान, ये भारत का पहला मिस डिफ वर्ल्ड 2019 चुनी गई थी, यूपी की है।
अगला प्रश्न है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 के अनुसार डैश दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश यानी कौन है? ए सिंगापुर, बी नॉर्वे, सी आइसलैंड, डी स्विट्जरलैंड। इसका आंसर होंगे सी आइसलैंड। आइसलैंड सबसे शांतिपूर्ण देश है और भारत का स्थान उसमें 141 था। कुल देशों 163 देशों में गिना गया था। अगला प्रश्न, हिंदी में लोहे का सामान बनाने वाले को क्या कहा जाता है? ए सोनार, बी महावत, सी मजबूती, डी लोहार। इसके आंसर होंगे डी लोहार। मित्र जो हिंदी भाषी क्षेत्रों से नहीं है, हिंदी पुस्तकें नहीं पढ़े हैं, दूसरे भाषा पढ़े हैं जैसे बंगला है, तमिल, तेलुगु, तो उनके लिए ये एक पर्यायवाची शब्द लिए है इस बार इस वीडियो में, समुद्र। पर्यायवाची शब्द यानी एक ही शब्द के दूसरा और शब्द और मीनिंग। तो समुद्र है, समुद्र का और क्या क्या मीनिंग है? सागर, जलधि, पारावार, सिंधु, नीरनिधि, नदीश, पयोधि, अर्णव, पयोनिधि, रत्नाकर, अवधि, वारिश, जलधाम, निरधि। तो इस प्रकार ये ऑडिशन में काम आ सकते हैं। एक प्रश्न, ये लोगो पहचानना है, यह ऐसे तो यह नाम लिखा हुआ है पर नाम मिटा दिया जाएगा वहाँ से, तो ये किसका लोगो है पहचानना है, तो साफ बात है अमूल का है, अमूल बटर। अगला झंडे से है, ये किस देश का झंडा है, इसे पहचानना है। इसका आंसर होंगे म्यांमार। मित्र जो नए मित्र हैं उनके लिए एक संदेश है। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ केबीसी का तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। इसके लिए जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसको प्रेस कर दे, और उसमें जो ऑल नोटिफिकेशन है सबसे ऊपर वाला घंटी, उसको भी प्रेस कर दे, जरूरी है। तो इससे हमारे वीडियो आप तक फ्री में पहुंचते रहेंगे और तैयारी करते रहे केबीसी का। धन्यवाद।